गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ, पिता जो देते हैं बच्चों को जन्म। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिता भी दे सकते हैं बच्चों को जन्म। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस करिए, ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई पिता कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है और बच्चों को जन्म देता है। प्रकृति का नियम है कि माँ ही बच्चों को जन्म देती है, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि धरती पर एक ऐसा भी प्रजाति है जिसमें मादा नहीं बल्कि नर बच्चों को जन्म देते हैं। हाँ, ये सचमुच है। वो कौन सा जीव है, चलिए हम आपको बताते हैं। वो है समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा प्रजाति के नर बच्चों को जन्म देते हैं। ये जीव घोड़े की तरह दिखता है और समुद्र में रहता है, इसलिए इसका नाम समुद्री घोड़ा है, जिसे इंग्लिश में सी हॉर्स कहा जाता है। समुद्री घोड़ा पाइपफिश फैमिली का जीव है। समुद्री घोड़े प्रजाति के नर प्रेग्नेंट होते हैं। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मादा समुद्री घोड़ा अपने अंडे नर समुद्री घोड़ा की थैली में ट्रांसफर कर देती है, जिसके बाद 45 दिन तक नर इन अंडों को अपनी थैली में रखता है और जब तक बच्चे पूरी तरह से विकसित नहीं हो जाते हैं तब तक वो अंडे को अपनी थैली में रखता है। एक बार में आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्री घोड़ा एक बार में 1000 बच्चों को जन्म देता है और वो जन्म पिता देता है। जान ले कि नर समुद्री घोड़ा एक बार में कई दर्जन से लेकर 1000 तक के बच्चों को जन्म दे सकता है, जिनमें से केवल 0% बच्चे ही जीवित रह पाते हैं। दुनिया भर में समुद्री घोड़ा की 47 प्रजातियां पाई जाती हैं। भुगतना पड़ रहा प्रदूषण का खामियाजा। गौरतलब है कि समुद्री घोड़ा समुद्री तट पास कम पानी वाले एरिया में रहते हैं। प्रदूषण का बढ़ते स्तर का प्रभाव समुद्री घोड़ा की प्रजाति पर भी पड़ा है। इसकी वजह से इनकी संख्या में तेजी से कमी आई है। एक्वेरियम बिजनेस के लिए भी इन्हें पकड़ा जाता है, हालांकि कुछ देशों में इस पर रोक भी है। समुद्री घोड़ा कई तरह से विशेष है। गिरगिट की तरह ये भी अपना रंग बदल सकता है। समुद्री घोड़ा की त्वचा की कोशिकाओं में विशेष संरचना होती है, जिसे क्रोमेटोफोरस कहा जाता है, जिनकी मदद से समुद्री घोड़ा ऐसा कर पाता है। तो गाइज, आपको ये मैंने जानकारी कैसी दी, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, ताकि मैं और मोटिवेट हो पाऊँ और आपके लिए नई नई अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। सो गाइज, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।